महाराष्ट्र में सियासी संकट का तीसरा दिन सीएम उद्धव ठाकरे सरकारी आवास वर्षा छोड़कर पहुंचे मातोश्री बंगलो, शिव सैनिकों ने रास्ते भर जताया समर्थन। वर्षा छोड़ने से पहले सीएम उद्धव ठाकरे का शिवसेना विधायकों के नाम भावुक संबोधन, एकनाथ शिंदे समेत लौटने की लगाई गुहार, इस्तीफा देने को भी तैयार। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं मंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना के 34 विधायकों संग 42 एमएलए हैं शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ बनाना चाहते हैं सरकार। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से किया नया ट्वीट, साझा किया अनिल सिरसाट का लेटर, उद्धव ठाकरे के रवैये पर दुख जताकर सिरसाट ने किया है एकनाथ शिंदे का समर्थन। रेडिसन ब्लू होटल के बाहर टीएमसी समर्थकों का आंदोलन, महाराष्ट्र के विधायकों के ठहरने पर जताया ऐतराज, एनसीपी और शिवसेना के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस का विरोध। महाराष्ट्र में शिवसेना के संकट पर संजय राउत ने दिया बयान, एकनाथ शिंदे के घर लौटने की अपील, महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का भी दिया भरोसा। शिवसेना के गढ़ थाने में लगे एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर, पोस्टर में बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे की तस्वीर, लेकिन उद्धव ठाकरे की फोटो गायब, शिंदे के समर्थकों ने निकाली रैली। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के आसार, शिवसेना के बागी विधायकों संग बीजेपी बना सकती है सरकार, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना। सियासी ड्रामे के बीच महाराष्ट्र में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, राज्यपाल हुए कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी हजारों शिव सैनिकों से मिले सीएम उद्धव ठाकरे, संक्रमण का बड़ा खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वाणिज्य भवन का उद्घाटन, उद्योग और व्यापार मंत्रालय को मिला नया और एडवांस सुविधाओं से परिपूर्ण भवन, पीएम ने प्रांगण में लगाया पेड़, बोले भारत निर्यात में बन रहा नंबर वन। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।